हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी आप देख सकते हैं 8:19 हो रहा है और मुझे जाना है यहाँ से 120 किलोमीटर दूर, आई मीन फतेहपुर। तो फतेहपुर चलने में कितना टाइम लगता है? 8:20 पे, मतलब 8:19 पे निकल रहा हूँ, तो 8:20 तो समझो हो ही जाएगा एक दो मिनट में। और यहाँ से फतेहपुर का डिस्टेंस है 120 या 125 किलोमीटर। तो आज चेक करेंगे कि कितना माइलेज ये मेरी बाइक देती है और कितने टाइम में इतना डिस्टेंस हम कवर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे 1, 2, 3, 4, 5 खूंटी तेल है और 5 पॉइंट बोल सकते हैं, 5 पॉइंट अभी मेरे गाड़ी में फ्यूल है। अब निकलते हैं यहाँ से और चेक करते हैं कि कितना टाइम लगता है ये पूरा डिस्टेंस कवर करने में मुझे, और मेरी बाइक कितनी के माइलेज देती है। 5 पॉइंट जो है तेल, क्या ये कितना बचता है लास्ट में? तो चलो आज चेक करते हैं। लेट गेट टू स्टार्ट दिस वीडियो। तो स्टार्ट हो ही चुकी है, बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए। ओके, अभी मैं प्रयागराज में हूँ। प्रयागराज से जस्ट निकला हूँ, मतलब अपने रूम से। यहाँ केपी कॉलेज जो जानते होंगे, बगल में केपी कॉलेज है इधर। आगे मैं पहुँचने वाला हूँ जस्ट मेडिकल चौराहा। अभी मेडिकल कॉलेज है तो मेडिकल चौराहा के नाम फेमस है। ये है अपना मेडिकल चौराहा। यहाँ सिटी में चलाने में भाई थोड़ा दिक्कत होगा, यहाँ पे मैं माइलेज भी गाड़ी ज़्यादा नहीं देगी और मैं यहाँ पे भगा भी नहीं सकता। और हाईवे मुझे यहाँ से मिलने वाला है लगभग 50 किलोमीटर दूर, मतलब 50 किलोमीटर दूर मैं निकाल दूँगा उसके बाद 10 में चल सकता हूँ। और इसमें भी देख सकते हैं आप इतने रस में गाड़ी चलाना कितना डेंजर हो सकता है। तो यहाँ मैं संभाल के निकलूँगा, कोई कहीं से भी आ सकता है, जैसे आंटी आ गई अभी कार लेकर। बाहर निकलूँगा तो बाहर साइड से कानपुर वाला हाईवे, कानपुर से लखनऊ जाते हुए जो हाईवे है वो ही मिलेगा। फिर उस पर हम 120+ भी जा सकते हैं। जैसे देखो चाचा है, इंडिकेटर नहीं मारे, पीछे में लेके चले। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम बिड़ाओ चाहे आराम से अपनी बाइक निकाल लो। चलो गाइस, अभी आगे मिलते हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, हम बीच बीच में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अभी जस्ट मैं पहुंच चुका हूं हाईवे पर। ये आप जो देख रहे हैं यही हाईवे है कानपुर जाने वाला। तो अभी मैं टाइम चेक कर लेता हूं कि 50 किलोमीटर आने मुझे कितना टाइम लगा। 9:17, थोड़ा ब्राइटनेस कम है, 9:17, तो 40 मिनट के करीब मुझे लगा है यहाँ तक आने में। और अब यहाँ से निकलते हैं फतेहपुर। अभी मानो 50 किलोमीटर मैं कवर कर चुका हूँ क्योंकि सिटी से बाहर जो ये हाईवे मिलता है लगभग 50 किलोमीटर के आसपास में पड़ता है। तो अभी मैं यहाँ से चल रहा हूँ फतेहपुर। अब मिल चुका है हाईवे, अब मुझे जो 40 मिनट मुझे 50 किलोमीटर लगा है, अब आगे देखते हैं कितना टाइम लगेगा। तो चलो मजे लेते हैं हाईवे का। Yeah.
1 में से 50 केजी माइनस करोगे उधर का तो आएगा, तो आपके सामने है मतलब 120 किलोमीटर टोटल बाहर ही।
हेलो गाइस, तो अभी देख सकते हैं मैं फतेहपुर पहुंच चुका हूं। यहां से ये जो अंदर टर्न हुआ है ये फतेहपुर सिटी है और यहां पे फतेहपुर लखनऊ लिखा है क्योंकि आगे लखनऊ हाईवे कट हुआ है। ये जो रोड गई है कानपुर गई है, तो मैं अभी फतेहपुर अंदर के लिए निकलता हूं। तो अभी चेक करते हैं कि फतेहपुर आने मुझे कितना समय लगा और कितना मेरा फ्यूल अब तक ख़त्म हो चुका है। तो आप देख सकते हैं मीटर पर अभी 2 पॉइंट फ्यूल है बचा। यहाँ पे 2 पॉइंट आपको दिख रहा होगा, 2 पॉइंट फ्यूल बचा है। और टाइम देख लेते हैं, टाइम यहाँ से कानपुर आप आगे देख रहे होंगे 81 किलोमीटर कानपुर है, आगरा 351 और दिल्ली 551। तो टाइम हो रहा 9:53, ब्राइटनेस कम है, 9:53 हो रहा है टाइम। मानो 8:20 पे निकला था और 9:53, तो 1 घंटा 40 नहीं मान सकते, 1 घंटा 30 35 मिनट लगभग मुझे लगा है 120 किलोमीटर कवर करने में। और फ्यूल कितना गया है, फ्यूल मेरा गया है 5 स्कूटी था 1 2 3 4 5, मतलब 3 बचा है और 3 2 बचा है, ओ भाई 1 बचा है, एक बचा है, मतलब 4 खूटी चला गया, 4 खूटी मतलब 6 लीटर के आसपास इसमें फ्यूल ख़त्म हुआ है। तो आप देख सकते हैं अगर आप 600-700 का तेल डलाएंगे तो 120 किलोमीटर का ट्रेवल इस बाइक से कर सकते हैं। आपको इसमें टाइम कम लगेगा, बाकी फ्यूल तो ज़्यादा लगेगा ही। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, और फिर आप से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।